जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल वन क्लास में। मैं मानव सर आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं अभी यूपी ट्रिपल एस सी का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ दोस्तों, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा जो नोटिफिकेशन बेल है दोस्तों उसको आप ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो नोटिफिकेशन है न्यू वीडियो के आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक वाला बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इसके आंसर्स देने थे। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना वस्तु। इसका दोस्तों जो आंसर सही होगा आपका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है बी सी तथा डी वाले का, तो ऑप्शन बी सी तथा डी वाले का दोस्तों औसत है, तो इसका जो दोस्तों इसका आंसर अभी मिल नहीं पाया है। तो इसके थर्ड देख लेते हैं, थर्ड है आपका सप्ताह के सभी चार दिनों में जो बिक्री के लिए है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका थर्ड का राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत, तो फोर्थ का दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी फोर्थ का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ का, तो फिफ्थ का दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फिफ्थ का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स से टेन देखते हैं दोस्तों, तो इनमें से सिक्स का दोस्तों कि इसमें से फसल 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, दोस्तों ऑप्शन सी का हो जाएगा ए बाजरा। और ऑप्शन सेवेंथ का दोस्तों हो जाएगा इसमें सेवेंथ में 2010 से 2016 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन, तो दोस्तों इसको कंफर्म नहीं है, इसमें से 253 या 353 हो सकता है आपका। नेक्स्ट एट्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एट नंबर में कह रहा है 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई थी, दोस्तों एट का आपका सी सही हो जाएगा बी यानी कि चावल। नेक्स्ट आलू का उत्पादन, तो नाइन्थ का दोस्तों सही हो जाएगा ए नंबर, नाइन्थ का सही हो जाएगा ए 1.90। टेंथ का दोस्तों सही हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सी टेंथ का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित हुआ था दोस्तों, तो ये हुए थे सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में, किसके प्लासी के उस युद्ध में, तो ऑप्शन सी। इनमें से कौन हड़पनीत का कट्टर समर्थक था दोस्तों, तो ये लॉर्ड डलहौजी, तो 12 का सी हो जाएगा दोस्तों, 12 का सी। 13 का भारतीय इतिहासकार में धन्वंतरी कौन थे दोस्तों, तो धन्वंतरी कौन थे, तो इसका ऑप्शन 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे, तो दोस्तों जो 15 है 15 का ए हो जाएगा, ठीक है 15 का ऑप्शन हो जाएगा। पहले ह्वेनसांग आए थे, फिर आए थे दोस्तों आपके फायान, फिर आपके आए थे थॉमस रो, तो ऑप्शन 14 का राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 14 के बाद 15 का, 15 का राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए, दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए न्यूज लेके आया हूँ। तो फाइमन कमीशन किस वर्ष भारत आए थे, तो दोस्तों ये आया था ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1928 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस, तो इसका जो दोस्तों 16 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 17 का दोस्तों 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 का जो ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, तो दोस्तों ऑप्शन सी 17 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका, तो किसके लेखक दोस्तों, 18 का डी मेघसनीच। दोस्तों इस पेपर में से हमारे यूट्यूब चैनल से कम 20+ क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देखते रहिए। 19 का दोस्तों आपका सही हो जाएगा ए हिंदुस्तान रिपब्लिक ओसेशियन, और दोस्तों जो 23 दोस्तों 23 का इसमें से कन्फर्म नहीं हो पाया अभी, 24 का मैं आपको बता दूं, तो 24 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है 24 का क्या सही होगा दोस्तों ऑप्शन सी। और 20 का दोस्तों नागार्जुन सागर, तो ये कृष्णा नदी पर, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी, तो 1958। निम्न में से महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था, तो अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है आपका भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवला देव कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 25। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है,
ये दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, और 30 का सही हो जाएगा भारत के क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, दोस्तों ये दंड प्रक्रिया संहिता है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम दोस्तों द्वितीयक होगा। नेक्स्ट 31 देखते हैं। 31 में दोस्तों निम्न से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो दोस्तों अर्धसंघीय संरचना, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में तो ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। 29 किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप बी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। और 30 का दोस्तों, 32 का इसका सही हो जाएगा आपका डी, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, तो आपका 33 का दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 43। इसका प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है, ओम। नींबू का जो खट्टा होता है दोस्तों साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था दोस्तों, तो ये रखा था 34 का आपका सही हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। कर्कट जनक रसायन दोस्तों इसका कैंसर हो सकता है। त्वचा की ऊपरी सतह दोस्तों क्या कहलाती है, तो त्वचा की ऊपरी सतह दोस्तों कहलाती है एंडोस्टर्मिस, तो ये क्या कहलाती है, एपिडर्मिस, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को न्याय प्रदान करता है, तो दोस्तों 35 क्वेश्चन में से क्या है, तो मौलिक अधिकार, ठीक है 35 का आपका सी सही हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य सी सही होगा। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है दोस्तों, तो इनमें से दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है, कंफर्म नहीं है इसमें से। नेक्स्ट है आपका 37 सही 1/2 में से कुल कितने हैं, तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका जो 45 क्वेश्चन दोस्तों इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा, गजवर्धन का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर मेघनाथ 46 का। नेक्स्ट 42 का दोस्तों जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, 19/32, ठीक है। और जो 47 है कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए दोस्तों आ सकता है आपका, कंफर्म नहीं है, कंकटा कीर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है दूध का दूध और पानी का जो मुहावरा है दोस्तों इसका क्या मतलब है, तो इसका उचित निर्णय करना, क्या है उचित निर्णय करना। नेक्स्ट है दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी इसमें क्या आएगी, बहिष्कार। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से तीर छिड़का विरोध शब्द क्या है दोस्तों, तो तीर छिड़का जो विरोध शब्द होता है दोस्तों तीक्ष्ण यानी तीव्र, तो आप इसके हिसाब से कर लीजिए। नेक्स्ट है 50 से दोस्तों आप इंग्लिश का देखते हैं, इसमें से द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड, तो ये दोस्तों कोल्ड ब्रिज ब्लू पास्ट हिज फेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के बहन के प्रति, तो इसका सो जाएगा दोस्तों ए। और इसका जो दोस्तों हो जाएगा कंप्यूटर के लिए, तो इसका 50 कौन सा क्वेश्चन है, ये दोस्तों क्वेश्चन है आप, क्वेश्चन है आपका 57। 57 में कंप्यूटर के लिए आ जाएगा दोस्तों, 57 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, क्या होगा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी 57 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गिव एंटोनियम्स फॉर फॉलोइंग वर्ड्स, तो दोस्तों गिव एंटोनियम्स फॉर फॉलोइंग वर्ड के लिए जो ऑप्शन सी होगा डल, गिव सिनोनिमस तो ये डिजिनिटी होगा, और इसके लिए जो कुत्ता रेबीज तुम मच्छर के लिए मलेरिया, तो 59 का बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के उस प्रथम राज्य का जिसने अपने सभी निवासियों के स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया दोस्तों, तो ये राजस्थान है, ठीक है। आरबीआई ने 22 जुलाई को पे लगा दिया है दोस्तों, तो ये मास्टर कार्ड पे, तो ऑप्शन डी 61 का डी और 60 का दोस्तों बी सही हो जाएगा। 2021-22 के दूसरे जीव सुकन्या समृद्धि के लिए दोस्तों, तो ये 8.6 से 9.6 है दोस्तों, तो ये इसका बी या फिर ए, दोनों में से कोई एक हो सकता है। भारतीय सेना के कश्मीर फायरिंग के, तो इसके लिए दोस्तों विद्या बालन हो जाएगा, तो 65 का ए आपका राइट हो जाएगा। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है, उद्देश्य से भारत में किस के द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग, तो ये दोस्तों आयुष मंत्रालय। वर्ष 2021 के लिए पासपोर्ट, इसमें सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट दोस्तों ये किसका है, दोस्तों जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टोक्यो पैरालंपिक 2021 में से किसको दल के रूप में, तो ये दोस्तों हैं मरियप्पन थंगवेलु, 18 फरवरी, तो इसका राइट आंसर सोमवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में से कौन सा देश शीर्ष पर है, तो दोस्तों ये दोस्तों आइसलैंड। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया, तो ये तेलंगाना। राज्यसभा के चुने गए सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष यानी ऑप्शन बी,
विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये सी 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से? तो ये भूटान, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है दोस्तों? द एक, तो इसका ऑप्शन सी से। रियाद किसकी राजधानी दोस्तों? सऊदी अरब की, तो ऑप्शन बी। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो कहाँ पर है? तो ये मूर्ति कला है, तो ये ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालाइज कर रहा हूँ, कोई भी दोस्तों इस तरह से नहीं कराएगा आपका। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राज्य से मिलने? तो ये ऑप्शन बी, ADIMK। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो गोवा। कौन सा है दोस्तों? गोवा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से एक हरित गैस नहीं है, तो दोस्तों कौन सी हरित गैस नहीं है? तो ये है कि मेथेन, बायोगैस। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं दोस्तों? तो ये खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नकाब रोला उत्सव किन में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये उड़ीसा से, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उपग्रह लेखन ने क्या बताया है दोस्तों? तो ये 81 से दोस्तों, ये आपको हिंदी का क्वेश्चन है, तो 80 का आपका राइट हो जाएगा, 80 नंबर आपका रह गया है दोस्तों, तो 80 का देख लीजिए, तो 80 हो चुका है, तो 81 का आपका राइट आंसर, 81 से और 85 तक आप लोग उसको पढ़ने के बाद करना था, तो वो आप लोग कर लीजिए। जैसे ये धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो सभी धर्मों का आदर करना, ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों। और देखते हैं आगे आगे क्वेश्चन हमारे क्या क्या हैं दोस्तों। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत प्रभाव होता है दोस्तों, तो ये होता है शल्य चिकित्सक में मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्योंकि मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम प्रकृति है, ठीक है दोस्तों। क्या है अनुपम प्रकृति है? तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 87 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 88 में क्या राइट हो जाएगा दोस्तों? तो 88 का आपका बी राइट हो जाएगा, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। नेक्स्ट है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है, तो निरामय का यह मतलब होता है नवीन, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 89 का। मानव सृष्टि को लघु रूप माना गया है, तो ये आपका इधर देखिए, फिर 91 नंबर देखते हैं दोस्तों, इधर ऊपर रह गया 91 नंबर आपका, तो 91 में दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो 91 में आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 92 देखते हैं दोस्तों, 92 देखते हैं दोस्तों, प्रथम वर्ष दौरान औसत उत्पादन था, तो 92 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन का बी, क्या होगा ऑप्शन बी, 92 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमेंट का अधिकतम 93 क्वेश्चन का, 93 का दोस्तों सही हो जाएगा सी, ऑप्शन सी 93 का राइट हो जाएगा, राइट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 94 का दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 38.8, ठीक है 94 का सही हो जाएगा 38.8। 95 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 2012 से 2012, ठीक है। और इसमें से दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट है, विगत वर्षों तक एक्स का है दोस्तों, मैथ्स के क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो कर लेंगे। और 96 से 100 तक के क्वेश्चन में से आप, इसमें से जो भी है वो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें से मैं आपको एक बता देता हूँ, 100 का जो है दोस्तों, तो 100 का आपका ए राइट हो जाएगा, 100 का दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा। और इसको आप लोग करिएगा दोस्तों, तो सेकेंड शिफ्ट में से जितने भी क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों मैंने उनको करा दिया है, तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जितने भी एग्जाम्स होंगे दोस्तों या फिर जो भी हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें होंगी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तो दोस्तों अभी